तेलंगाना हाईकोर्ट ने करीमनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल में मामूली तब्दील करते हुए इंतखाबी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 10 से 12 जनवरी तक पर्चे नामजदगियां कबूल की जाएंगी। 24 जनवरी को राय सही होगी। 27 जनवरी को वोटों की गिनती होगी। दो दिन की ताखिर के बाद बिलाखिर नोटिफिकेशन जारी होने के बाद सियासी जमातों के बशमूल दावेदार पर्चे नामजदगियां दाखिल करने की तैयारियों में मसरूफ हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने दूसरे कॉरपोरेशन और बल्दियात के साथ करीमनगर कॉरपोरेशन के लिए भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, लेकिन 24 और 25 डिवीजन के वोटर लिस्ट में पाई गई गलतियों को हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया था। म्यूनसिपल अहदेदारों की जानिब से वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने के बाद हाईकोर्ट ने इंतखाबात के लिए दे दी मंजूरी। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने सियासी मैदान में खानदानी सियासत के बढ़ते हुए रुझान पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि वो तो अपनी दौलत भी अपने अरकान खानदान को देने के हक में नहीं है और ना ही उनकी तिजारत में कोई दिलचस्पी है। वो अपनी जायदादें और दौलत स्वर्ण भारत ट्रस्ट के हवाले कर देंगे। शिल्पारम्भ में संक्रांति तकारीब के मौके पर खिताब करते हुए इन ख्यालात का किया इजहार। रियासती वजीर सनत KTR ने कहा है कि तेलंगाना मुल्क में सबसे तेज तरक्की करने वाली रियासत है। उन्होंने दिल्ली में महकमे हवाबाजी के विंग इंडिया कॉन्फ्रेंस की तैयारी का जायजा लेने वाले इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हैदराबाद IT हब में तब्दील हो गया है। दूसरे दर्जे के शहरों में तेलंगाना हुकूमत 6 ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट कायम करने का जायजा ले रही है। कमिश्नर साइबराबाद पुलिस VC सज्जना ने शमसाबाद से शादनगर तक हाईवे पर पेट्रोलिंग गाड़ियों का इफ्तिताह किया। सज्जना ने बताया है कि 4 पेट्रोलिंग गाड़ियां 24 घंटे चक्का लगाती रहेंगी। एक गाड़ी को 15 किलोमीटर की जिम्मेदारी दी जा रही है। हाईवे पर हादसा होने पर फौरी जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की जाएगी। 55 किलोमीटर तक पेट्रोलिंग की गाड़ियाँ करती रहेंगी गश्त।